कि रिपब्लिक भारत के सवालों से भागे राहुल गांधी। रिपब्लिक भारत राहुल, ये देखिए, मिस्टर राहुल आपको दिखा रहे हैं। मिस्टर राहुल, मिस्टर राहुल, मिस्टर राहुल, मिस्टर राहुल, ये टीवी वाले भाई, ये सफेद कपड़ा, ओ सफेद कपड़ा, ओ ओ ए, ईश्वर कर दो कैमरा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूँ आपके साथ सुम्बुल इरम। जब मीडिया गोदी मीडिया में बदल जाता है तो उसमें रिपोर्टरों की कोई जरूरत नहीं रह जाती है, बल्कि गोदी मीडिया अपने रिपोर्टरों को कुत्ता बना देता है और भौंकने के लिए नेताओं के पीछे छोड़ देता है। और ये ऐसे पालतू कुत्ते हैं जो सूंघ सूंघ कर विपक्ष के नेताओं के पीछे दौड़ते हैं, विपक्षी नेताओं को देख कर भौंकना शुरू कर देते हैं। इन पालतू कुत्तों को पता है कि इनके और इनके मालिक के हड्डी का इंतजाम कौन करता है, इसलिए ये अपने मालिक के भी मालिक और उनसे जुड़े लोगों पर ये कभी नहीं भौंकता है, क्योंकि इसे पता है कि अगर इसने भौंक दिया तो फिर हड्डी आनी बंद हो जाएगी। भले ही आप रिपब्लिक टीवी को भूल गए होंगे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जिस तरह का तमाशा अर्नब के साथ उसके चमचों ने किया, वो ऐसा था जैसे मानो कि कोई चील लाश को नोच रहा। और ठीक उसी तरह अर्नब और उसके चैनल ने एक अभिनेता की मौत पर अपनी टीआरपी की दुकान सजा ली और रिया चक्रवर्ती के सामने ये भेड़िया बन गया। अर्णब गोस्वामी स्टूडियो में ड्रग्स दो के नारे लगाने लगा जैसे मानो उसने खुद ही किसी पदार्थ का सेवन कर रखा हो। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको अर्नब के उस इतिहास को क्यों बता रहे हैं, तो आज जो हम आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं उसे समझने के लिए अर्नब के इस इतिहास को दोबारा आपको याद दिलाना जरूरी था, क्योंकि आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अचानक से पत्रकार के भेष में एक आवारा कुत्ता आ गया। वो चीखने चिल्लाने के नाम पर भौंकने लगा। हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी लगभग एक महीने से भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन अचानक से रिपब्लिक का एक रिपोर्टर राहुल गांधी के पैदल यात्रा के बीच घुस जाता है और मिस्टर राहुल का माला जपने लगता है। वीडियो को देखकर साफ लगता है अर्नब के रिपोर्टर का मकसद राहुल गांधी से सवाल पूछना नहीं था, बल्कि वैसी नौटंकी करनी थी जो कोरोना के समय अर्नब और उसके चमचों ने किया था। एक बार आप अर्नब के रिपोर्टर की उस नौटंकी को देख लीजिए कि रिपब्लिक भारत के सवालों से भागे राहुल गांधी। रिपब्लिक भारत राहुल, ये देखिए, मिस्टर राहुल आपको दिखा रहे हैं। मिस्टर राहुल, मिस्टर राहुल, मिस्टर राहुल, मिस्टर राहुल, मिस्टर राहुल, मिस्टर राहुल, आपने साफ तौर से सुन लिया अर्नब के दो पालतुओं को, एक स्टूडियो में है और दूसरा सड़क पर। स्टूडियो में बैठी एंकर कह रही हैं कि रिपब्लिक भारत के सवालों से भागे राहुल गांधी। ऐसे में ये सवाल आपके जहन में जरूर आ रहा होगा कि आखिर रिपब्लिक भारत का सवाल क्या था, आखिर अर्नब के पालतू ने ऐसा क्या सवाल पूछ लिया कि जिसे सुनकर राहुल गांधी भाग गए। हकीकत यह है कि अर्नब के पालतू ने ऐसा कोई सवाल ही नहीं पूछा था, बल्कि वो सिर्फ राहुल गांधी का नाम लेकर चीख रहा था और अपनी नौटंकी की एक नई वीडियो बना रहा था। ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि क्या ये कोई रिपोर्टर है या फिर कोई आवारा कुत्ता। इस वीडियो को रिपब्लिक वालों ने ट्वीट कर लिखा है कि ब्रेकिंग, रिपब्लिक भारत के सवालों से भागे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पत्रकार अजीत अंजुम ने अर्नब के चमचों को ऐसे ही भागकर और चीखते हुए पीएम मोदी का नाम लेने की चुनौती दे डाली। अजीत अंजुम ने कहा, सवाल किधर है, जैसे चीख कर पीछे दौड़ रहे हो वैसे मोदी के किसी रोड शो में आवाज देकर पत्रकार की तरह एक बार सवाल पूछकर दिखाना। कभी हिम्मत हुई मोदी या शाह के पीछे भागकर एक सवाल पूछने की? 8 साल से देश चला रहे मोदी को देखकर गला सूख जाता है या भक्ति भाव जाग जाता है? अजीत अंजुम ने आगे कहा कि मोदी के सामने लौटने वाला चैनल माइक लेकर राहुल के पीछे दौड़ रहा है, इतने सालों में एक बार तो एक दिन के लिए ही पत्रकारिता करके दिखा देते,
एक बार तो मोदी और शाह से ऐसे ही सवाल पूछ लेते, उनकी तो भजन आरती करोगे और एजेंडा लेकर राहुल राहुल करोगे, चुल्लू भर पानी पी लेना आज। जो सवाल पत्रकार अजीत अंजुम ने उठाया है वो जायज सवाल है, क्योंकि इन लोगों को आपने मोदी और शाह से सवाल पूछते तो नहीं देखा होगा। सवाल तो छोड़िए, जब प्रधानमंत्री मोदी के रैली में जाने के लिए इन पत्रकारों से उनका चरित्र प्रमाण पत्र मांगा गया तब भी इनके मुंह नहीं खुले, जैसे मानो इनके मुंह में कोई फेंकी हुई हड्डी अटक गई हो। तो अर्णब के चमचे की इस हरकत पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें।